प्रणाम मित्रों, मैं हूँ बोधि संजीवन। आज आ गए साधक रामप्रसाद सेन का जो जन्म भीटा और जो साधन स्थली है वहाँ पर। ये है पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना जिला में हाली शहर में, और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। साधक रामप्रसाद सेन माँ काली को आराधना करते थे और वो एक गीत लिखते थे। वो गीत इतना प्रसिद्ध था, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने वो गीत को गाते थे और बहुत पसंद करते थे। और ठाकुर के पास जब स्वामी विवेकानंद जी ने आते थे तब ठाकुर ने बुलाते थे कि तुम रामप्रसाद को वो गाना गाओ, ये गाना गाओ। और जो वहाँ विवेकानंद ने ठाकुर को रामप्रसाद सेन का लिखा हुआ माँ काली का भजन गा के सुनाते थे। अभी ये माँ काली का दर्शन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। यहाँ फोटो तुलना माना है, फिर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। आपका मनोवांछा पूर्ण हो जाए तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को ये माँ को दर्शन कराने के लिए। साधक रामप्रसाद सेन जो काली माँ को मूर्त को पूजते थे वो अभी नहीं है, क्योंकि जो लोकोगाथा है वो काली माँ को माथा में लेकर रामप्रसाद सेन ने गंगा में विलीन हो गए। ये है वही जगह जहाँ साधक रामप्रसाद सेन ने साधन का जो गुरु और जो सीक्रेट पथ है वो अवलंबन करते थे, और यही है वो पंचवटी जहाँ पर वो साधना करते थे। पंचवटी पांच वृक्षों का एक समाहार है और बोला जाता है कि वहाँ पर साधक लोग साधना करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अलग सा ऊर्जा महसूस होता है और ऊर्जा को वो साधना में काम में लगाते हैं। यही है वो पंचवटी जहाँ पर साधक रामप्रसाद सेन ने उनका साधन जीवन का उन्नति के लिए साधना किए थे। Thank you.
मंदिर का नज़दीक है ये रामप्रसाद स्नान का घाट। सुना जाता है यही घाट से साधक रामप्रसाद जी ने माँ का मूरत को माथा में लेकर ये गंगा में विलीन हो गए थे, इसलिए ये रामप्रसाद नहाने का जो घाट है ये भी अभी एक पुण्य भूमि बन गए। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ ये माँ गंगा में नहाने के लिए। राम प्रसाद का भीटे दर्शन करके अभी हम निकल रहे। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्रणाम मित्रों।